Welcome back to my channel. This is Amran Saga, as you all know, and I'm back with another video. मैं ये वीडियो थोड़ा छत पे आके बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे रूम पे लाइट काम नहीं कर रहा है एंड बाकी सब यहाँ पे सो गया तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट राइट नाउ बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सीरियस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड इसके बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बना रखी है ऑलरेडी एंड फिर भी जब हम इतनी बातें कर रहे हैं अब इस चीज़ को लेके एंड उसके बावजूद भी सेम चीज़ हो रहा है तो बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ देख के तो आई गेट स्ट्रेट इन द पॉइंट दैट इज ट्रबलिंग मी विच इज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए टोटल 22 वैकेंसीज निकाली है एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वैकेंसीज आ रही है बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हाल ही में हम देख रहे हैं कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस को इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन बीएससी फॉरेंसिक साइंस को एकदम ही लाइक नेग्लिजिबल है अभी भी वो चीज़ लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स के लिए आपका नोटिफिकेशन निकला है जैसे प्रॉक्सी केमिस्ट्री बायोलॉजी सरोलॉजी फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स बट वहाँ पे अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि फेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो कि एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक डिविजन के लिए एक एक सब्जेक्ट मैंशन किया हुआ है और वहाँ पर ये लिखा है कि मिनी कैंडिडेट मस्ट पोजेस मास्टर्स डिग्री इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉर द रिस्पेक्टिव डिविजन्स तो जैसे टॉक्सिक के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना कंपलसरी है केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना कंपलसरी है फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स होना कंपलसरी है बैलिस्टिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स होना कंपलसरी है पर आपको यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस दिख भी नहीं रहा है बीएससी फॉरेंसिक साइंस तो मैंने छोड़ ही दिया है एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी नहीं दिख रहा है आपको लाइक मुझे नहीं पता कि इंडियन फॉरेंसिक सिनेरियो कहाँ जा रही है बट अगर ऐसे ही चलता रहा ना और अगर ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड होते रहे देखो पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वह फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज फॉर अ फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट और वहीं पे फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस नहीं मिलेगी उनको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा तो फिर ये देश कैसे बढ़ेगा लाइक फॉरेंसिक साइंस का जो सिनेरियो है इंडिया में वो कैसे बढ़ेगा आई डोंट नो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी जब मैंने वो नोटिफिकेशन देखा एंड आई डोंट नो आप लोग को ये चीज़ पता है कि नहीं और अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये चीज़ देख के कि बीइंग फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड हैविंग आई एमएससी फॉरेंसिक साइंस डिग्री स्टिल यू कॉन्ट अप्लाई फॉर इट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट सो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत दुख हुआ एंड अगर हम साथ में इस चीज़ के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं तो शायद आगे भी ऐसे ही हमें नेग्लेक्ट किया जाएगा विच इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर दिस फॉरेंसिक सिनेरियो इन इंडिया एंड आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ के खिलाफ बोलेंगे आवाज़ उठाएंगे एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप कि हम साथ मिलकर इस चीज़ के खिलाफ लड़ें थैंक यू बाय बाय